हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे IOC के शेयर पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्या कुछ इसके स्पॉट और टारगेट रहेंगे, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे जो स्टॉक के देखो लॉन्ग टर्म में तो साइड वे टाइप में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो आज इसने हमारी मतलब कल ही कर दिया था हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया। अब कैसा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा ये हम समझते हैं। इसका जो अपसाइड का टारगेट रहेगा, पहला जो टारगेट रहने वाला है 172 का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी आप देख सकते हो करेक्शन स्टॉक ने दिखाई, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। वैसे तो देखो पॉजिटिव माहौल अब स्टॉक में देखने को मिलेगा, और उसके बाद सेकंड जो टारगेट रहेगा हमारा 179 का यहाँ पे रहने वाला, जो कि ये वाला लेवल है। पहला ये लेवल है, उसके बाद ये है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है 179 का, तो फिर ये स्टॉक हमें यहाँ जो इसका हाई प्राइस है वहाँ तक जाता हुआ नज़र आएगा 193 तक। अगर भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली तो ये स्पोर्ट हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर लेता हुआ नज़र आ सकता है, और करीब करीब जो स्पोर्ट रहेगा 166 का रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर से भाई नीचे के लेवल ये दिखा सकता है। फिर सेकंड जो स्पोर्ट रहेगा वो रहेगा 161 का, और थर्ड रहेगा 152 का। तो भाई फिलहाल तो देखो मुझे तो पॉजिटिव माहौल नज़र आ रहा है स्टॉक में शॉर्ट टर्म में, और कल भी थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है। इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज़ अपनी खुद के एनालाइज ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है।